मैं कसम से बोलता हूँ, खानापुर के लोग लाऊंगा, वहाँ से कुत्ते लाऊंगा, अंदर छोड़ूंगा। लेकिन आज समस्या ऐसी है, दो बार दिखने के बाद और पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने ही वो क्रॉस होकर के फिर वापस गोल कोस्ट में गए। सर नाज़रीन आदाब, एस इंडिया में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, मुसलसल कुछ दिनों से बेलगाम में एक तेंदुए ने हंगामा मचा रखा है और एडमिनिस्ट्रेशन के नाक में इस वक्त काफ़ी दम कर दिया है। काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी इसकी तलाश मुसलसल कई दिनों से जारी है। सबसे पहले एक शख्स के ऊपर जब हमला किया था उसी दिन से इसकी तलाश जारी है, लेकिन मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी वो तेंदुआ एडमिनिस्ट्रेशन के या पुलिस के हाथ नहीं पहुंचा, जबकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से स्पेशल फोर्स भी यहां पर लगाई गई, लेकिन मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी नाकामी का ही सामना एडमिनिस्ट्रेशन को करना पड़ा है। लेकिन आज सुबह एक बस से जब यहाँ पर गुजर रहे थे तो मुसाफिरों ने सुबह के तकरीबन 6:30 बजे बताया जा रहा है कि तेंदुए को इस जगह पर देखा गया और उसकी वीडियोस भी इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही हैं, जिसके बाद अब इस पूरे इलाके को लॉक कर दिया गया है, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ पर बड़ी तादाद में फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद हैं और वहाँ पर एक बड़ी फोर्स लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर MLA अनिल बेनके साहब भी आए हुए हैं और यही वो जगह है जहाँ पर तेंदुए को सुबह में देखा गया था। आप देख सकते हैं कि ये जगह है और यहाँ से ही गुजरकर रोड क्रॉस करते हुए तेंदुए की वीडियोस वायरल हुई हैं और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वक्त इस तेंदुए को लेकर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्ना हो गया है और इसकी तलाश में जुट गई है, चारों तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है, कैमराज लगाए गए हैं, ड्रोन के ज़रिए भी इसको पकड़ने की कोशिश की गई। लेकिन आज सुबह जब ये वीडियो वायरल हुई, जब इस इलाके में तेंदुए को बाकायदा देखा गया, तो अब इसको लेकर काफ़ी संजीदगी के साथ सीरियसली इसकी तलाश इस वक्त जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स लगाई गई है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर तरह से इसको पकड़ने की कोशिश इस वक्त जारी है। इलाका अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ, इस रोड के दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल है और मुमकिन है कि वो उन्हीं झाड़ियों का सहारा लेते हुए कहीं छुपकर बैठ गया है, लेकिन यहाँ पर कैमराज भी लगाए गए हैं और कोशिश जारी है कि किसी भी तरह से आज शाम तक तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर मज़ीद जो भी यहाँ की कार्रवाई होगी इसके लिए हम अपडेट करते रहेंगे। तो देखते रहें यस इंडिया। चीता नज़र आता है, फिर झाड़ियों में छिप जाता है, स्कूलों को छुट्टियां दी जा रही है, लोग घरों से बाहर निकालना चाहते हैं लेकिन फिर से तेंदुआ बाहर आता है और फिर उन्हें घर के अंदर जाने में मजबूर कर देता है। आखिर यह कब तमाशा ख़त्म होगा सर? ये बेलगाम के अंदर ये 18 दिन से समस्या है, लेकिन पिछले 8 दिन से पहले ये जो तेंदुआ है नज़र नहीं आया था, इसीलिए फॉरेस्ट वालों की एक सोच थी कि ये तेंदुआ का एक स्वभाव है कि ज़्यादा दिन तक एक जगह पर नहीं रहता है और वहाँ से ये जंगल में गया होगा, ऐसा उनका सोच थी। सोच रहते भी तो भी इधर अपने फॉरेस्ट वाले लोग इधर थे, लेकिन परसों मुझे ही फ़ोन आया था, 6 बजे फ़ोन आया कि बाबा ऐसा मैं पुजारी जा रहा हूँ लेकिन यहाँ से तेंदुआ गया फॉरेस्ट, ये जो हमारा गांधी जी का पुतला है ना, वहाँ से इमीडिएटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अलर्ट करने के बाद दूसरे दोपहर को ही वो पुलिस डिपार्टमेंट सब मिल के कॉम्बिंग करे, तभी भी नहीं मिला। लेकिन आज समस्या ऐसी है, दो बार दिखने के बाद और पुलिस डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने ही वो क्रॉस होकर के फिर वापस गोल कोस्ट में गए सर, इसीलिए अभी फिर छुट्टी देने की मोहब्बत आ गई, क्योंकि 22 स्कूल है जो समीप है। इसके बाद में डीसी आके गए, बाद में फॉरेस्ट ऑफिसर सभी लोग है, इसी से ज़्यादा पुलिस अधिकारी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोले पूरे अंदर है, आज किसी भी हालत में इसको पकड़ना मांगता है, नहीं तो दूसरे एक्सपर्ट लोगों को और मांगना मांगता है। एक्सपर्ट यानी कौन? जो जंगल में रहते लोग, उनको लाएंगे, अभी इनके हाथ से नहीं हुआ। तो ये जंगल में क्या नहीं है क्या? ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये इनका जो तरीका है मुझे तो पसंद नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है कि इनको अंदर भेजना पड़ता है। दूसरी बात ऐसी है, ये आज नहीं हुआ समझो तो हम लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे कि जो खानापुर इस तरफ जो जंगल में लोग रहते हैं और उसको पकड़ें। नहीं, क्या हो रहा है सर कि पूरे शहर में तो एक एंटरटेनमेंट का सब्जेक्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर लोग डरे सहमे हैं,
बच्चे स्कूलों को भेजना नहीं भेजना इस डर खौफ में सहन, ये आखिर कब खत्म होगा, ये बार बार सवाल जहन में आ रहा है। नहीं, आज किसी भी हालत में इसको, अभी हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर भी आ रहे हैं दोपहर को 2 बजे, उन्होंने मीटिंग भी रखी है और इधर मैं उनको खुद लेके आऊँगा। किसी भी हालत में इसको आज का ये मामला मैटर खत्म होना है। नहीं, ये तो फॉरेस्ट अफसर के सामने से ही भाग के जाता है, इसका मतलब क्या है सर? क्या हुआ, मैं उसके बारे में मैं इधर देखा हूँ, वो फुटेज भी देखा हूँ। हाँ। इनके सामने वहाँ से कॉम्बिंग करते हैं, लेकिन यहाँ से भाग के यहाँ गया, ये इधर इधर सामने गया, लेकिन जो शूटिंग करता है तो जो नशे की दवा का शूटिंग करता है वो खड़ा था, लेकिन उस तरफ कोई 2 लोग थे, वो शूट नहीं करके पाया, क्योंकि गलती हुई तो वो आदमी को लगता है, तो आदमी को इसको लगने से बहुत बड़ी हानि होती है, इसीलिए उसने शूट नहीं, मैं उसके साथ बात किया, लेकिन अभी फिलहाल तो इतना बंदोबस्त है इधर कि हम लोगों ने यहाँ फॉरेस्ट वाले खड़े हैं, पुलिस डिपार्टमेंट खड़े हैं और अंदर से पुलिस वहाँ से कॉम्बिंग करते आ रहे। थोड़ी देर में 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर इसका जो भी है, इंसानों से चालाक लग रहा है क्या? तो जंगली जानवर है तो इंसान से चालाक है? आप देखेंगे इधर इधर समझ जाए, इधर वहाँ इधर है, कहाँ है आगे आप देखेंगे, जानवर बड़ा है, जंगली जानवर है, दूसरी बात उसकी ताकत ही है, वो जो उसको डैश मारने के बाद उसको फाड़े सो है, जाली कट कर दी, तो इसका ताकतवान जानवर है, इसीलिए इसका हम लोग कैसा है उसकी भी हिफाजत करना चाहिए और जनता भी करना चाहिए, उसको भी कुछ होना ये भी हमारी इच्छा नहीं है, और जनता को भी किसी भी हालत में किसी को इससे तकलीफ हो, इसीलिए बीच वाला रास्ता हम ढूंढ के किसी भी हालत में आज उसको ढूंढना है, नहीं हुआ तो मैं कसम से बोलता हूँ खानापुर के लोग लाऊंगा, वहाँ से कुत्ते लाऊंगा, अंदर छोड़ूंगा। ಅತಿ ದೊಡ್ಡದ ಜಂಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅದ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದ ಚಿರತೆ ಅದ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ನೀವು ವರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ವರ್ಷನ್ ವರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಸರ್ 60 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲೋಕ್ ಸೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ ಮಾತಂತ ಇಲ್ಲ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಕ ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪರಿಗೆ ಸಾಕು ಕೇಳೋ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು ಏನಾಯ್ತು ಈಗ 15 ಮಂದಿ ಸೇರಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಬಗ್ಮಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು 60 ಮಂದಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಡಿ 60 ಮಂದಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಡಿ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುದು ಈಗ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ರನ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು 4 ಮಂದಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ ತಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳುದು ತಪ್ಪು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ 10-15 ಮಂದಿ ಅಷ್ಟು ಅದಾರು ಬೇರೆ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಚಾ ಇದನ್ನೇ ಅದಾರು ಗೋಕಾಕದಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳು ಈಗ ಬರ್ತಾರ ಈಗ ಬಂದಿದ್ರ ಮುಂದಿನ ಮುಹಿಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ ಹೇಳ ಎರಡು ವಿಷಯ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೋ ಅದ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಆತರ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮೀಡಿಯಾದವರ ಪೊಲೀಸರ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ನಾನಂಕ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ತಪ್ಪೈತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ